बेटा आज आप रीजनिंग वाला ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दो टाइप सीरीज कंप्लीशन पढ़ चुके हैं, है ना। पहली तो सी नंबर वाली सीरीज, है ना, और दूसरी सी अपने को अल्फाबैट वाली सीरीज, ठीक है। क्लियर है, अल्फाबैट वाली सीरीज सब क्लियर होगी ना, बहुत सिंपल जी सी, ठीक है। तो हूँ अपने को मिक्सड सीरीज आ गई, अल्फा नमेरिक सीरीज, ठीक है ना। अल्फा नमेरिक सीरीज मीनस कि थोड़े को लैटर भी आएंगे, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबैट्स भी आएंगे और मैथ वाले नंबर भी आएंगे, तो दोनों दोनों चीजा मिक्स होगी, ठीक है ना। बस इस थोड़ा ये बेनीफिट है कि जेडे मैथ वाले नंबर होंगे, ठीक है ना, वो इन्ने डिफिकल्ट नहीं होने गए जिन्हें सिंपल नंबर सीरीज से, ठीक है ना। वो इन्ने डिफिकल्ट नहीं होने, वो बहुत सिंपल होंगे, ठीक है। देखो आप एक एग्जाम्पल नाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उन्हें तो सारे ना आपकी नोटबुक से वो ए बी सी लिख लो, नाल वो नंबर लिख लो, जिदे पहला लिखे हुए वो पुरानी देख लो, ठीक है ना, जिदे लिखे हुए वो पुरानी देख लो। देखो बेटा ये पैटर्न बनाओ, ठीक है ना, आ लिखता पैटर्न बनाओ। ए बी सी सब ने लिख ली ना नंबर्स की हेल्प नाल, है ना। तो सब तो पहला काम की करो, इन्हों के नीचे नंबर्स लिख लो। आ बचाले तो आप नमेरिक सीरीज हैगी, है ना, आप क्या अल्फा नमेरिक सीरीज, मतलब नंबर भी होंगे, ठीक है, और अल्फाबैट्स भी होंगे, ठीक है ना। एक एक करके करना इन तोड़ के, बिल्कुल, ठीक है ना। तोड़ना किमें, पहले तुम आ जड़े आप अल्फाबैट्स लिखे है, ना, इन्हों के नीचे की है नंबरस लिख लो, सारे इन्हों के नीचे नंबर लिख लो, ठीक है ना। फिर वो पहली सीरीज़ में अलग लिखो, दूजी सीरीज़ में अलग लिखो, ठीक है ना। तो जेडे इन बिटवीन आ नमेरिकल लिखे है, ना, नंबरस लिखे, इन्हों अलग लिख लो, तिन्हों अलग अलग करके देखो। थोड़े को अल्फाबैट्स तो आ ही जाएंगे, उन्हें तो थोड़ा कोई दिक्कत नहीं आनी गी, ठीक है ना। वो तो बिल्कुल सिंपल जे है, मेरा पेन है नहीं थोड़े को, बेटा मैं कल भी कहा कि नोटबुक और पेन जरूर लेके आया करो, उस तो बिना थोन नहीं पता लगना गा। लिख ले बेटा सब ने, बेटा कोई स्टूडेंट जिन्हों नहीं पता लगे अज पहले दिन आया हो दसो, ठीक है, कोई गल नहीं बेटा। ए बी सी लिख ली सबने जेडे फर्स्ट ए आए है, बाकी जिन्हें पता वो सॉल्व करो आपका, ठीक है ना। जिन्होंने पता है ना वो सॉल्व करो, जिन्हें नहीं पता जेडे फर्स्ट ए आए वो इधर देख लो, ठीक है। ए बी सी लिख ली बेटा सबने, है ना। ए बी सी लिख के वो नाल नंबर लिखो, है ना, 1 2 3 26 तक नंबर लिख ले, ठीक है। उस तो बाद नंबर लिखने तो बाद की है हूँ जैड देखो, जैड किन्ने नंबर पर हैगा, 26 से, है ना। तो तुसी आ चीज लिखी है ना, ये नीचे की हैगा 26 लिख लो, ठीक है ना। ए केड़े नंबर ते हैगा 1 ते, फिर एक्स केड़े नंबर ते है 24 ते, डी केड़े नंबर ते है 4 ते, वी केड़े नंबर ते है 22, जी केड़े नंबर ते है 7, टी केड़े नंबर ते है 20, जे केड़े नंबर ते है 10, आर केड़े नंबर ते है 18, एम केड़े नंबर ते है, पी केड़े नंबर ते है 16, सेम ही आ गया, ठीक है। क्लीयर है इतों तक बेटा, किसी ने कोई डाउट, क्लीयर है सबनों, क्लीयर है, ठीक है। तो हुण आपां पहले पहले वाले चक्कांगे, कल्ले कल्ले पहले पहले वाले 24 22 20 18 16, ठीक है, क्लियर है सबनों, कल्ले मैं पहले पहले वाले लिखे है, ठीक है ना। उस तो बाद फिर आप दूजे दूजे वाले लिखांगे, 1 4 7
दस तेरह सोलह। क्लियर है सब नो? ठीक है बेटा, इतों तक किसी कोई डाउट? कोई भी क्वेश्चन है उस आई काम करना, जी पिछली अल्फाबैटी की है सीरीज है ना, उस भी आही कुछ किया। ठीक है, हुण तुसी जिहड़ी पहली सीरीज लिखी है इससे थोड़ा कोई पैटर्न मिल रहेगा? आवले है ना, की पैटर्न हो रहेगा? दो दो माइनस हो जाते हैं ना, की हो जाता? दो दो माइनस हो जाते हैं। क्लीयर है बेटा सबनों है ना, की हो जाता? दो दो माइनस हो जाते हैं। तो जे तुसी इहदी अगली टर्म दसनी है तो दस दोगे? इत्थे किन्ना नंबर आऊगा? बस एक ही दसना आपां, ठीक है ना, एक ही दसना। अगर दो पुछे तो दो दस दो, ठीक है ना, उन्होंने अपन एक ही पुछे तो एक दसना। ठीक है, क्लीयर है सबनों? उस तो बाद अगला की हो जाता? प्लस तीन तीन हो जाता है ना, तो किन्ना आऊगा फिर इत्थे? उन्नी। ठीक है, क्लीयर है। हुण तो आपां इहदा आंसर देना सीगा है ना, जे तो यह कल्ली अल्फाबैटिकल वाली सीरीज है फिर तो खत्म ही हो गया है ना, फिर तो अपना खत्म हो गया सम। फिर इतने एक होर अल्फाबैट होंगे, उन्होंने भी तुम आई लिख लाते। ठीक है, तो हूँ अपने को हले नमेरिकल भी है, वो आप लिखते हैं, वो करते हैं अलग तो। ठीक है, पहला चौदह, चौदह नंबर पर कौन है? एन। ठीक है ना, उन्नी पर कौन है? एस। बचाले अपना नमेरिकल रह गया बस। क्लीयर हूँ? एन ए च बेटा किसी ने कोई डाउट? जेडे अज फस्ट डे भी आए है, या पुराने भी किसी बच्चे नूं कोई डाउट है, इस कोई चीज़ ना समझ लगी हो? क्लीयर है, जो कल अपने को अल्फाबैटिकल वाली सीरीज है उदो तो एन ही हो जाऊगा। हाँ जी बेटा, की चीज़? ठीक है, देखो अपने को है, तू सारी ए बी सी लिख ली, जो नाल नंबर भी लिख ले। सब तो पहला काम उ करना आप, क्वेश्चन पेपर देखिया कि उस आवले क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पे है ना, तो तुसी ए बी सी लिख ली, नाल नंबर लिख ले। ठीक है ना, उस तो बाद क्वेश्चन पेपर से जिथे थोड़े को अल्फाबैट्स लिखे वो नीचे ही की उन्होंने नंबरिंग करती। ठीक है ना, सारी नंबरिंग करती, नंबरिंग करके थोड़े को दो है तो दो दो नंबर आएंगे, तीन है तीन नंबर आएंगे, चार है तो चार नंबर आएंगे। ठीक है ना, जिन्हें भी थोड़े को दिते है, ठीक है ना, उन्ने नंबर। अगर सपोज कि अपने को चार आ गए ए बी सी डी, तो आप चार नंबर लिख लेंगे। ठीक है ना, फिर की करो कि जेडे पहले पहले है उन्होंने लाइन अलग लिख लो, जेडे दूजे दूजे है उन्होंने लाइन अलग लिख लो, जेडे तीजे तीजे है उन्होंने लाइन अलग, चौथिया की अलग, जिन्हें भी थोड़ा दिते है। ठीक है ना, सब की लाइन अलग अलग लिख लो। ठीक है, तो वो अपना इतों तक कम हो गया। ठीक है ना, वो वाला अपना इतों तक कम हो गया। क्लीयर, उस तो अगे जो तुम अलग अलग लिख ले, उस तो बाद इस पैटर्न देखना है ना कि पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना, अगर तुम इतों तक कर लिया फिर थोड़ा पैटर्न देखने दिक्कत नहीं आऊगी है ना। हूँ जो तुम अलग अलग लिख लिया वो तो थोड़ा पढ़ते पढ़ते पैटर्न पता लग गया कि आई जाता है ना, कि दो दो कटी जाते हैं। उवें जो तुम आवली लाइन पढ़ी इस भी थोड़ा पढ़ते पढ़ते पैटर्न दिखने लग गया कि हो जाता कि तीन तीन ऐड हो जाते हैं। ठीक है ना, इन्होंने अपन एक एक कहा से आप एक एक लिख लिया, अगर दो दो कहें तो आप दो दो लिख लेंगे। ठीक है ना, जिन्हें मर्जी थोड़ा कहन तुम उन्ने उन्ने अगे की है लिख सकते होगे। ठीक है ना, उस तो बाद वापस की है तुम अपनी ए बी सी देखो कि फोर्टीनथ प्लेस पर कौन है। ठीक है ना, बारहवें नंबर पर कौन है, उन्नीवें नंबर पर कौन है, बाईवें नंबर पर कौन है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा आंसर बन जूगा। उस तो बाद जो चार ऑप्शन दी उस तुम चैक करके देखो कि थोड़ा आंसर उस हैगा या नहीं है। क्लीयर है? ठीक है बेटा, हाले भी किसी कोई डाउट है तो? क्लीयर है सबनों? ये मिक्स वाली है, कल जी की ना, कल कली आ वाली की अल्फाबैट्स वाली। ठीक है ना, वो अल्फाबैट वाली सीरीज वाला थोड़ा सारा दसता है ना, अल्फाबैट वाली सीरीज इन्ना की करना सी बस। ठीक है, क्लीयर है बेटा? क्लीयर है सबनों? किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट से? क्लीयर है बेटा सबनों? ठीक है, आ रब कर दें नक है ना, ये तो सब का हो ही गया। तो हुण आपां इधर साइड ते लिख लिए केड़े केड़े आ गए अपने एन और एस, करदे हो भी करदे ठीक है।
ठीक है, सही है, कोई गल नहीं। देखो अपने को हम नंबर वाला देखो, 1, 2, 6, 21 हूँ अल्फा वाली सीरीज यानी कि अल्फाबैट्स वाली सीरीज तो सॉल्व होगी, हूँ अपनी केड़ी रह गई नंबरस वाली, है ना। हूँ नंबरस वाली सीरीज सॉल्व करनी है, ठीक है ना। बहुत वधिया गल है, दो चार बच्चों ने सॉल्व कर ली, ठीक है ना, बट आप सारे ने सॉल्व करनी है, सबनों आनी चाहिए, ठीक है ना। नंबर वाली सीरीज है ना, उस पर आके अद्धा तो आप वैसे डर जाने हैं, ठीक है ना। वो भी बहुत सिंपल जी है, जी एस आऊगी ना वो बहुत सिंपल जी आऊगी, है ना। थोड़ा जहा दिमाग ला के करके देखो, सारे जने अपनी नोटबुक से सॉल्व करके देखो, मैं तो दस ही देना है, है ना। थोड़ा जहा नोटबुक से अपनी सॉल्व करके देखो, क्योंकि एज का बेटा कोई भी अपने को पर्टिकुलर मैथड नहीं होंदा, है ना। मैं थोड़ा फिर दस देना, जो अल्फाबैट्स वाले तो मैं थोड़ा दसते कि ए बी सी लिख के हो जूगा, बट जोड़ा आ वाला है ना न्यूमेरिकल सीरीज, एज का कोई मैथड नहीं होंदा, है ना। एज का आप लॉजिक फाइंड करना है, तो लॉजिक फाइंड करके ही आप इस सॉल्व कर सकते हैं, है ना। उस आपू पढ़ना पेगा, ठीक है ना। थोड़ा जो तो पढ़ोगे, है ना, पढ़ते पढ़ते फिर ही थोड़े ध्यान च आऊगा। देखो है ना की है कि 2 नाल मल्टीप्लाई किया, 2 ऐड करता, ठीक है ना। 6 नू 3 नाल मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड करता, ठीक है ना। इतने ये कह लो कि 1 नू 1 नाल मल्टीप्लाई किया, 1 ऐड करता, ठीक है ना। 21 नू की है 4 नाल मल्टीप्लाई किया, 4 ऐड करता, ठीक है। 88 नू 5 नाल मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड करता, ठीक है। 445 नू 6 नाल मल्टीप्लाई किया, 6 ऐड कर, ठीक है। देखो सारे वो हूँ उन्होंने 445 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करके 6 ऐड करके देखो, ठीक है। थोड़ा आंसर आ गया, एन एस तो तुम लिख ही लिया सीगा, है ना। इन बिटवीन तुम नंबर लिख देना बस दोनों के विचाले, बेटा नोट करने की बजाय तुम इन समझन की कोशिश करो, सिर्फ नोट ना करो। नोट तो मैं थोनों PDF बना के भेज ही दी ना, लिखन से जोर उदो दो जो मैं थोनों कहां कि सॉल्व करो, सिर्फ बोर्ड तो कॉपी करके नहीं लिखना गा। जो तो सॉल्व करने लिए कहां उदो सारे पेन चलाया करो, हाँ, ठीक है ना। मैं थोनों यही कह रहा कि इन समझन की कोशिश करो कि तुसी इसनों पढ़ो, है ना। इसनों पढ़ के इस तो पैटर्न लभन की कोशिश करया करो, क्योंकि अल्फाबैट्स वाले सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, बट इनू सॉल्व करने अपन थोड़ी डिफिकल्टी आती हैगी, ठीक है ना। वो डिफिकल्टी किवें दूर होगी प्रैक्टिस नाल, जो तुसी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना फिर थोनू सीरीज चो पैटर्न लभन लग जूगा। क्लियर है सबनों, ठीक है। तो नैक्सट एग्जाम्पल देखो, हम नैक्सट एग्जाम्पल तुसी अपने आप सॉल्व करियो, आवली सॉल्व करो बेटा।
G4T, J9R, M20P, P43N. बोलो ना, मुंह नाल नहीं करना है ना, हुन सारे पेन चलाओ फटाफट। एस बेटा 43 तक तो आप पहुंच ही गए, नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। तुम्हें मैं इन्नी बार समझाया कि जल्दबाजी ना करया करो। हाँ, एबीसी वाला तो वो तो थोड़ा जिन्ना तुम प्रैक्टिस करी जाओगे ना एबीसी वाले तो टाइम होर भी कट जाऊगा, उस ते टाइम होर भी घट जाऊगा। एस ठीक है, सही है, एस 90L आता है। हो गया बेटा, बेटा कोई स्टूडेंट है जिसका कल्ला अल्फाबेट वाला भी नहीं सॉल्व होया हले, मीन्स कि जिसे हले आवले अल्फाबेट्स भी नहीं आए, कोई स्टूडेंट जिसके अल्फाबेट्स भी नहीं आए हले। हाँ, SL। हाँ जी बेटा, किसी दे अल्फाबेट्स भी नहीं सॉल्व होए, हो गए सब दे। हाँ जी बेटा, फिर इतने किन्ना होगा। हाँ ठीक है, हो गया नंबर, हो जाएगा एबीसी उसके। हाँ हो जाएगा, आंसर आ गया एस। ठीक है, हाँ जी बेटा आवाज नहीं, कोई होर स्टूडेंट जिसका अल्फाबेट सला नहीं आया, क्लियर है बेटा सबनों, लास्ट तक कोई भी स्टूडेंट जिसका अल्फाबेट वाला नहीं आया हो, अल्फाबेट वाला आया नहीं हले। आ नहीं ना बेटा, पहले आ देखो, आ लिखो
सत्त दस तेरह सोलह है ना किन्ने किन्ने तीन तीन फिर इत्थे किन्ना उन्नी है ना फिर दूजे लिखो भी अठारह सोलह चौदह की हो जाता इत्थे किन्ने तो फिर इत्थे किन्ना होगा दो घटी जाता है ना आ देखो हाँ जी बेटा क्लियर है होर कोई स्टूडेंट भी रहा हो जिसका अल्फाबैट वाला नहीं आया हले ठीक है क्लियर है बेटा सबनों ठीक है बस एस और एल आ गया ना सब दा है ना उस तो बाद आपा मिडल वाली सीरीज देखनी है वैसे इस दी मिडल वाली सीरीज बहुत सिंपल हैगी है ना बहुत सिंपल हैगी मिडल वाली सीरीज की हैगी फोर नाइन ट्वेंटी फोर्टी थ्री है ना की हो जाएगा फोर नू टू नाल मल्टीप्लाई किया वन ऐड करता है ना नाइन नू टू नाल मल्टीप्लाई किया टू ऐड करता फिर ट्वेंटी नू टू नाल मल्टीप्लाई किया थ्री ऐड करता फिर फोर्टी थ्री नू टू नाल मल्टीप्लाई किया फोर ऐड करता तो फोर्टी थ्री इंटू टू प्लस फोर कितना बन गया नाइनटी ठीक है दैट मीनस कि अपना आंसर कितना आ गया एस नाइनटी एल क्लियर है बेटा yes, ना इस तक किसी कोई दिक्कत नहीं रही हूँ है ना आवला भी तुसी पढ़ोगे ना जिमें जिमें पढ़ोगे ये भी थोड़ी सॉल्व हो जाऊगी क्या होर देखो होर लिखो एक बहुत सिंपल जी है बेटा बहुत सिंपल जी है मुंह बंद करके सिर्फ पेन चलाओ कितना टेंथ का वाई एटी एट बी ठीक है बेटा वाई एटी एट बी हो गया पांच छह दिन की प्रैक्टिस नाल थोनों ये आ जाऊगा सारा थोड़े सिलेबस से सिर्फ नौ अठ नौ टॉपिक है गे अठ नौ टॉपिक इस दे अठ नौ टॉपिक मैथ दे है गे ध्यान नाल करोगे तो एक महीने के विच विच थोड़ा सारा सिलेबस कवर हो जाऊ पूरी चंगी तरह आ गया करो फिर वाई ते मिडल च की चीज हाँ चलो कोई गल नहीं ओदा दिमाग चलाउंदे तुसी किवें चलाउने होगे कई बार जेड़ा थोड़ा वो क्वेश्चन पेपर आउंदा हैगा कई बार ये चीज भी हुंदी है कि जदों क्वेश्चन पाउंदे आ एक क्वेश्चन दा आंसर दूजे च पिया हुंदा हैगा कई बार ये चीज हुंदी हैगी
हो गया बेटा 88, ठीक है। हाँ जी बेटा, लास्ट लास्ट दो तीन रोज अल्फाबेट सला हो गया। अल्फाबेट सला तो सौखा ही सीगा, वाई और बी आ गया ना शब्द, ये तो सिंपल जी सी है ना। और जड़ा मिडल वाला है ये भी सिंपल ही सीगा, ये आप हूने रिपीट की है ना, किमें किता है पहला आप ये करके हटे हैं ना फर्स्ट क्वेश्चन च है ना, तो वही चीज हैगी। बेटा इस चीज की थोनों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है बेटा सबनों, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टार्ट करिए, ठीक है बेटा। आवाज नहीं, आवाज नहीं, बस हूं इन खत्म करो, अगे देखो हूं बेटा। नैक्सट वाली देख लो, फिर समझ नहीं होनी स्टार्टिंग तो, ठीक है। नैक्सट वाली जी सीरीज है ना अपने को हैगी स्मॉल अल्फाबैट्स की, ठीक है ना, जानी कि छोटी ए बी सी जी आप लिखते हैं है ना, जी अपने को नैक्सट वाली सीरीज है वह हैगी स्मॉल अल्फाबैट्स की, ठीक है ना। हूँ इस की हैगा, इस तुसी नंबर्स नाल नहीं कर सकते, मीनस कि ए बी सी दे नीचे तुसी नंबर लिख ले है ना, इस तुसी ओवें नहीं कर सकते है ना। इस की है थोड़े को आई सीरीज लिखी भी होगी, तो सीरीज नू पढ़ के तुसी पैटर्न लभना हैगा है ना। हो सकता कि जो तुसी पैटर्न लभ रहे हो वो थोड़े को दो ऑप्शन बन जान है ना, हो सकता कि जो तुसी पैटर्न लभ रहे होवो थोड़े को दो ऑप्शन बन जान, ठीक है ना। फिर तुसी वो दोनों ऑप्शन आपके एम जे थोड़े को मल्टीपल चॉइस दिते है ना, चार ऑप्शन दिते हैं, तुम उन्होंने कंपेयर करके देखो, ठीक है ना, कि जोड़े थोड़े दो आंसर आए हैं या तीन आंसर आए हैं, ठीक है ना। अगर एक आंसर आया फिर तो मैच कर ही जाऊगा, ठीक है ना। अगर दो आए तीन आए हैं तो उन्होंने चो कि आंसर थोड़ा सूटेबल है, मीनस कि थोड़ा तिना चो मैच कर रहा है, ठीक है। देखो मैं लिख देंगे, बेटा बिल्कुल ना पिन ड्रॉप साइलेंस रखा करो, किसी का फोन वजी कुछ करी जाता वो रिस्पोंसिबिलिटी है, थोनू जरूरत नहीं गी, तुम आपका चुप करके इधर बोर्ड कनी ध्यान दो, ठीक है। देखो अपने को आ सीरीज लिखी हैगी, ठीक है, इस तीन ब्लैंक्स है, ठीक है ना, आ सीरीज लिखी है तीन ब्लैंक्स है, लिखन की लड़ नहीं, इधर देखो बस ध्यान न, ठीक है ना। आ सीरीज है इस तीन ब्लैंक्स है, तो आप इसका आंसर लभना है, ठीक है ना। ए तुसी देखो इतने ए और बी है सिर्फ, है ना, इतने सिर्फ ए और बी है, ए और बी तो इलावा कुछ नहीं है, तो इसका जो आंसर है वह भी ए और बी च ही आएगा। अपने को है सीरीज दिती हुई हैगी, ठीक है, तो आप इस कंप्लीट करना है, ठीक है। और इस कंप्लीट कर मैथड की हैगा, फाइंड अ पैटर्न या लॉजिक कह लो, ठीक है ना, कि तुसी लॉजिक फाइंड करना है या पैटर्न फाइंड करना है। बट इस चापा की इस पैटर्न कहे तो ज्यादा बैटर है, ठीक है ना। नंबर वाली सीरीज लॉजिक होंगे, इस चापा पैटर्न कहने, ठीक है ना, कि तुसी पैटर्न फाइंड करो, पैटर्न फाइंड करने की हेल्प ना इस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फिर आप इतने देखिए कि अपने को दो ए आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इतने की है दो बी लगा ले, ठीक है। तो पहली ऑप्शन अपनी कंप्लीट होगी बी, ठीक है। फिर उस तो बाद आप देखिए कि तीन ए आ गए है ना, तो फिर इतने अपने को तीन बी भी आ सकते हैं, या फिर आप कि चार अपने को हो सकते है, ठीक है ना, क्योंकि फिर इतने अपने को दो बी आ जाएंगे, ठीक है ना, कि दो ए दो बी, चार ए दो बी, ठीक है, क्लीयर। तो उस अकॉर्डिंग आप सोचा, तो दोनों चीज़ा तुम्हें सोचनिया जरूर है,
थोड़ा दिमाग है इस तरीके नाल चलना चाहिए कि दो या तीन, अगर तीन चीजा भी बन दिया तो थोड़ा दिमाग तीनों चीजा सोचे। इत्थे दो ए एक बी चार ए तीन बी, हाँ पैटर्न कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी पैटर्न लगा सकते हैं। ये है ना कि तुसी इत्थे बी चार ए तीन बी, हाँ उस टाइप नाल भी कर सकते हो गे, दो बी नहीं इतने तो बेटा एक ही आप लैटर फिल करना है ना, एक लैटर फिल करना है ता करके तिना च एक एक ही फिल करना है, ठीक है, कोई गल नहीं पैटर्न फाइंड करना है जिस तरीके मर्जी आप पैटर्न अपन लभना चाहिए है, ठीक है ना। अगर तुम वह कह रहे हो गए ना उस नाल जो थोड़ा आंसर बनता है वह भी फिर ऑप्शन होनी चाहिए है, ठीक है ना, अगर थोड़ा पैटर्न बन रहा तो ऑप्शन होगी, नहीं नहीं होएगी, क्योंकि ये है ना कि हुण जिहड़े पैटर्न बनाउण वाले आ, हुण मान लो कि मैं अलग पैटर्न दस्या तुसीं अलग पैटर्न दस्या, अगर क्वेश्चन मैं पाया तो फिर मैं आपदे आंसर ही लिखूंगा विच, फिर तुसीं कोई भी लगा सकते हो, फिर उस क्वेश्चन लई तुसीं क्लेम कर सकते होगे, है ना, फिर उस क्वेश्चन लई तुसीं क्लेम कर सकते होगे कि पैटर्न बनना चाहिए कि पैटर्न मैं बना के देता, ठीक है ना, जो आंसर की पैंती उस तो बाद क्लेम लई भी थोनू टाइम देंदे होंदे आ कि तुसी किसी क्वेश्चन का गलत आंसर हैगा तो उस लई क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। पैटर्न फाइंड करना है थोड़ा बट ये है कि जिहड़ा पैटर्न है लॉजिक और स्ट्रोंग होना चाहिए है, ठीक है ना, नहीं तो थोड़े नंबर कट्टे जाएंगे, ठीक है ना, उसकी पेनल्टी पेगी थोनू, क्लीयर है आ चीज़, क्लीयर है, ठीक है ना, पैटर्न फाइंड करना। इस तो बाद एक होर है बेटा, ठीक है ना, एक टाइप की सीरीज होर हैगी, ये वैसे बहुत घट यूज होंगे दोनों सीरीज, ठीक है। आ देखो बेटा नैक्सट अपने को हैगी, ठीक है ना, ये लास्ट है बस अपनी सीरीज कंप्लीशन का लास्ट टॉपिक है, ये जिहड़ा आप पिछला किता और ये किता है ना, ये बहुत घट चांस है, ठीक है ना, 80-20 चांस है, मीनस कि 80% वो जिहड़ी पहलां लिया तीन सीरीज कीती है, न्यूमेरिकल सीरीज है ना, अल्फाबैटिकल सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है ना, 80-85% चांस है कि उस चो ही आंदा है, ठीक है ना, 90 तक की मान के चलो, कोई 10% चांस ही होंगे कि इन्हों दोनों सीरीज से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम देखो इस अपने को कहते कि जिथे जिथे क्वेश्चन मार्क है ना उत्थे उत्थे नंबरस फाइंड करने हैं, मीनस कि ओवली सीरीज कंप्लीट करनी है, ठीक है ना, ओवली सीरीज की है कंप्लीट करनी है, थोड़े को डैश इस तरह ही है, ठीक है ना, इतने कुछ फिल नहीं करना है, यह ब्लैंक ही है, ठीक है ना, तुम इन च रिलेशन लभना है, ठीक है ना, रिलेशन लभ के तुसी इनू कंप्लीट करना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क की है तुसी फाइंड करने है, ठीक है ना, और अपने को आंसर फाइंड करना है, हाँ कहते कि अपने को है बस तुसी आ क्वेश्चन मार्क आई लिखना है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पर अपने को आ रहा है, ये चीज़ आप फाइंड करनी है। देखो तो क्वेश्चन मार्क अपने को डी ए सी और बी के नीचे है, इतने तो नीचे कुछ है ही नहीं गा,
अगर इतने नीचे होंगे तो आप ये कह लेंगे कि उसके उपर हैगा। ठीक है, क्लीयर है। इस देखो थोड़े को अल्फा सीरीज आ गई, नमैरिक सीरीज आ गई और समॉल लैटर सीरीज आ गई। ठीक है ना, तो इस की है, इस रिलेशन बनाना है ना, इस आप करना है रिलेशन बनाना है। ठीक है ना, देखो रिलेशन किवें बनूगा, डी दे नीचे किन्ना है वन, तो फिर इतने भी डी दे नीचे किन्ना आना चाहिए वन, तो अपना पहला क्वेश्चन मार्क ही है सॉल्व हो गया है ना, पहला क्वेश्चन मार्क ही है सॉल्व हो गया। ठीक है, तो हुन अपने कोल की हैगा होर देखो है, चलो आ लगा लो, ए दे उपर किन्ना है फोर। ठीक है, और ए दे उपर इत्थे किन्ना है बी। ठीक है, तो फिर बी दे नीचे किन्ना आना चाहिए फोर, तो बी दे नीचे किन्ना आ गया फोर। देखो इत्थे अपने कोल की ए दे उपर किन्ना है फोर, ठीक है, तो इतने ये उपर कि बी, तो फिर बी दे नीचे कि आना चाहिए फोर। ठीक है ना, अगर मान लो सपोज कि अपन जिम्मे हम आ मैं दस रहा है ना, इस थोड़ा दिक्कत आ रही हैगी आए कर। ठीक है ना, क्वेश्चन होर खोल लो, एक्सपेंड कर लो है ना, किमें एक्सपेंड करा आप कि अपना डी कि रिलेट हो गया वन न। बेटा बोलो ना, तुम ना बोलो प्लीज। ठीक है ना, डी कि रिलेट हो गया वन न। ठीक है, हूँ इतने ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन मार्क नहीं सॉल्व करना ना, उन्हें छोड़ दो एक बार, पहला तुसी सारे रिलेशन बना लो है ना, पहला सारे रिलेशन बना लो, रिलेशन बना के उस तो बाद सॉल्व कर लो। ठीक है ना, फिर इतों शुरू कर लो, चाहे स्टार्टिंग तो है ना, बी कि रिलेट है ए नाल, इतों स्टार्ट करो है ना, आप कह रहे हैं स्टार्टिंग तो लिखो, वो क्वेश्चन मार्क नू भुल जाओ कि मैं कुछ लिखना है हले। ठीक है ना, तुसी पहला रिलेशन बना लो, फिर तुसी देखो ए किसे ना रिलेट है, ए बारे देखो ए कि रिलेट है फोर नाल, तो आप उस अकॉर्डिंग ही लिख लिया। ठीक है, यानी कि ये तीनों आपस से रिलेट है, हो गया क्लियर है, आ चीज क्लियर है बेटा। ठीक है, फिर आप अगे चले। ठीक है, ये तो हो गया खत्म, आवला खाली हैगा है ना, तीजे च फोर ए नाल ये आप कर ही दिता है ना, फिर अपने को आ गया डी वन नल, डी वन नल आप लिखता है ना, फिर इतने आ जाओ थ्री कि रिलेट है बी नल। ठीक है, फिर अगे आ जाओ टू कि रिलेट है सी नल, ये भी बहुत सिंपल हैगी, एक डिफिकल्ट आँदी है एक सिंपल आँदी, एक डिफिकल्ट आँदी एक सिंपल आँदी है ना, इस टाइप नाल है सीरीज। हो गया, उस तो बाद फिर आप आ देखिया खाली है ना, फिर आप इस आ गए ए कि रिलेट हो गया सी नाल, बट सी तो अपना पहला ही रिलेट है कि टू नाल, तो इतने आप लिख लिया। हाँ बी ए नाल रिलेट सी, आवला अलग अलग है बेटा, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों अलग अलग है गे। ठीक है ना, कैपिटल बी और स्मॉल बी दोनों अलग अलग है, इसलिए मैं तुम कह रहा है ना कि अल्फा सीरीज, मैरिक सीरीज और स्मॉल लेटर सीरीज तीनों अलग अलग है अपनी। ठीक है, क्लियर है, बस तुसी आ पैटर्न बना ले, सॉरी रिलेशन लभ लिया है ना, रिलेशन हो गया, तो ए टू सी ए रिलेट है गे है ना, थ्री बी ना रिलेट है, डी वन ना रिलेट है, बी फोर ए रिलेट है गे। ठीक है, क्लीयर है, उस तो बाद तुसी इत्थे पहुँच गए, बस खत्म हो गया है ना, इत्थे अपने कोल के खत्म हो गया, तो इत्थे अपने क्वेश्चन मार्क सीगे चार है ना, इत्थे अपने क्वेश्चन मार्क सीगे, बस हुण तुसी कैपिटल लैटर और नंबर है ना, कैपिटल लैटर और नंबर वो देखने है गे। हाँ, डी नाल केड़ा वन वन आ गया, बी नाल केड़ा फोर, ठीक है, फिर सी अपना है ही नहीं, ए नाल केड़ा टू, ठीक है, एको ही नंबर बचा है ना, तीन तो फिल ही हो गए, एक नंबर ही बचा केड़ा आ गया थ्री, आ थोड़ा आंसर आ गया। हाँ जी सी दे
नहीं बेटा स्मॉल और कैपिटल अलग अलग है, नीचे वाले स्मॉल है ना, आ कैपिटल है, ठीक है क्लियर। लास्ट जल्दी जल्दी आप एक रेपिटिशन कर लिए इसकी, ठीक है ना, इनू रिपीट कर लिए एक बार, मैं बोलना बेटा रिपीट कर दा फटाफट, है ना। देखो थोड़े को की है, आ तीन टाइप दी सीरीज दी, तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, आ कैपिटल है, समॉल है, न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, तीनों अलग अलग है। तो आप की है क्वेश्चन मार्क फिल करने है, ना क्वेश्चन मार्क फिल करने की है, तुसी सब तो पहला काम की करना है, रिलेशन फाइंड करना है, है ना, तिना च रिलेशन फाइंड करना है, तिना च रिलेशन किवें फाइंड करना है, तुसी स्टार्टिंग तो लग जाओ, है ना, रिलेशन लिए घट्टो घट दो होने जरूरी है, ठीक है ना, कल्ले परसन का तो कोई रिलेशन की होगा, वो अपने आप नाल थोड़ा रिलेट होगा, कोई दूजा बंदा होना चाहिए, ता ही तुसी कहोगे कि वह दोस्त है, रिश्तेदार है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट दो चीज़ा होनी चाहिए रिलेट करने, ठीक है। तो आप इतों स्टार्ट किया, आप क्या कि बी की है, ए नाल रिलेट है, बी की है, ए नाल रिलेट है, ठीक है। तो आप बी कि रिलेट करता, ए नाल, अगे चलिया खाली आ गया, फोर कि रिलेट हो गया, ए नाल, बट ए तो कि रिलेट सी, बी नाल, ठीक है ना। तो अपने को है इस टाइप नाल लिखो जिमें इतने लिखे हुए है कि पहला कैपिटल लैटर, फिर न्यूमेरिकल, फिर समॉल लैटर। तो आप अगे चले, फिर अपने को डी कि रिलेट हो गया, वन नाल, फिर थ्री कि रिलेट हो गया, बी नाल, ठीक है, फिर टू कि रिलेट हो गया, सी नाल, ठीक है, फिर इतने अपने को खाली आ गया सी वाला, फिर आप ए देखिए कि रिलेट हो गया, सी नाल, ठीक है। तो सी तो अपने को टू नाल रिलेट सी, यानी कि ए टू सी ए की हो गए, रिलेट हो गया आपस, ठीक है। फिर आप अगे चले, बी वाला खाली आ गया, फिर इतने का एक एक ही है, आ क्वेश्चन मार्क आ गए जेडे आप फिल करने है, और ये ब्लैंक ही है, ठीक है ना। बस जो थोड़े को आ गया, उस तो बाद तुसी इस देखो डी नल केड़ा है, वन नल, बी नल केड़ा है, फोर, ए नल केड़ा है, टू, और सी रह गया कल्ला, सी दी जगह ते कितना आ जाऊगा, थ्री, ठीक है, क्लियर है सबनों, ठीक है। हुण लास्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछ लो, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हैगा केड़ी, आ देखो ना, डी दी जगह ते वन आ गया, ए दी जगह ते टू आ गया, सी दी जगह ते थ्री आ गया, बी दी जगह ते फोर आ गया, की चीज इतने तो बेटा रह गया ना, आप जो फिल किए थे वन टू और फोर फिल हो गए, है ना, अपने को एक लैटर रह गया, एक न्यूमेरिकल रह गया भरने वाला, थ्री, तो ओबियसली थ्री आऊगा, ठीक है ना। वो कोई और रिलेशन तो अपन मिले ही नहीं सी, वो तो अपने को लास्ट ब्लैक रह गया एक, वो बेटा स्मॉल सी हैगी, मैं ताई उस अकॉर्डिंग लिखे ना, सब तो पहला कैपिटल लैटर, फिर नमेरिकल, फिर अपने को स्मॉल वाला, क्लियर है बेटा सबनों, ठीक है बेटा।